भाई बहन का पर्व इसलिए माना जाता है कि तो जमराज और शनि देव दोनों जमुना की इच्छा का पालन करते हैं और जमुना से वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तो आज जो है वो दिन है कि जिस दिन शनि देव और जम दोनों भाई जमुना से मांगने के लिए कुछ कहते हैं तो जमुना का होता है जन कल्याण के लिए, जीव रक्षा के लिए, मानव रक्षा के लिए वो वरदान मांगती है कि जो भी मेरे में आज स्पर्श करता है, उनका मान था कि जो भी जमुना में स्नान करे उसको हमें जो मेरे दोनों भाई उनको धर्मराज के रूप में नारायण के रूप में ही दर्शन दे और उनको विराट रूप को जीव मात्र देखने से ही बहुत दुख को प्राप्त करता है। वो भयाना रूप उसने कहा भाई हम तो देख सकते हैं पर जीव नहीं देख सकते हैं, मानव नहीं देख सकते हैं, ऋषि नहीं देख सकते हैं। तो वरदान दिया गया था जमुना महारानी को, इसलिए आज शाम को हम लोग जाकर जो समय है उस समय पर ही जमुना जी में गऊ बेला शाम के टाइम माना गया है उसी टाइम भगवान श्री कृष्ण ने कंस गऊ भी मारा था, वही समय था। उसी समय गऊ बेला 5-6 के बीच में मौजगिरी में जमुना किनारे श्री जूना अखाड़ा राम घाट और मौजगिरी घाट पे अनेक प्रकार का पूजन उपासना दत्तात्रेय जयंती तक किया जाएगा और वही कालंदी उत्सव देव उठान आदि अनेक प्रकार का दीप प्रज्वलित भी अनेक प्रकार की जो योजना है और अनेक प्रकार के तमाम लोग जो प्रोग्राम मेरा है समय समय से आपको जानकारी मिलता रहेगा। ओम नमः। महाराज जी कितने साधु संत आज शामिल हो रहे हैं नगर प्रवेश में? साधु संतों में आप गिनती करते हैं, हम गिनती नहीं करते हैं, हम इनके दर्शन करते हैं। इसलिए कभी मैं गिनती से न रोटी खाता हूँ, न साधु गिनते हैं, न अनुमान लगाते हैं। हम समझते हैं जितने आगे उतने थोड़े हैं। किन किन देशों से शामिल हो रहे हैं अभी? ऐसा है कि इसमें तमाम जो लोग हैं अनेक प्रकार के, कुछ लोग बाहर के भी हैं, कुछ यहाँ के भी हैं, पर इस समय आपको बताना बहुत ठीक नहीं है क्योंकि अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। इसमें हमने जो रहा सबका आधार कार्ड है, सबका सुरक्षा का पैन कार्ड है, अनेक प्रकार का जो लोग हैं उनकी तैयारी किया हूँ। बाकी हमारे साथ तमाम लोग हैं जो पदाधिकारी, वो उनका काम है इंक्वायरी करना। हर विभाग को हमारी तरफ से प्रार्थना रहती है कि पहले सुरक्षा और कुंभ मेला, उसके बाद कोई महात्मा हो, चाहे आचार्य हो, चाहे महामल्लेश्वर, चाहे शंकराचार्य हो, कोई व्यक्ति है, पहले मेला फिर भी। महाराज महाराज आज के जा रहे हैं हरिगिरी जी के आशीर्वाद से जूना अखाड़े के साथ हम ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं। हमारा देवत्व यात्रा भी जूना अखाड़े के साथ ही निकलेगा और हम शाही स्नान भी जूना अखाड़े के साथ ही करेंगे, तो बड़ी प्रसन्नता है। और हम आने वाले कुंभ में दिव्य भव्य और सुंदर कुंभ करने का प्रयास किन्नर अखाड़ा करेगा, जिस तरीके से 2019 में किन्नर अखाड़ा आया था और सुंदरता से सनातन धर्म के प्रति लोगों का रुझान बढ़ाने की कोशिश की थी, वही कार्य किन्नर अखाड़ा 2025 के महाकुंभ में करने जा रहा है। सरकार का हम साधुवाद करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपनी मेहनत लगाई है, हमारे DM विजय किरण आनंद की कार्य में लगे पड़े हैं, तो साधुवाद है सभी प्रशासन और सभी अखाड़ों। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।